हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। देखिए, हमने चिकन फ्राई बनाया है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड जूसी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस, करते हैं स्टार्ट। ये हमने चिकन ले लिया है, हमारा चिकन 500 ग्राम है और ये हमारे मसाले हैं सारे जो इसमें जाने वाले हैं। अभी चिकन के अंदर दही है, लहसुन अदरक और लेमन जूस। गाइस, अब हम मसाले को डालना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डाली है, हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हमारा है 2 चम्मच हमारा इसमें बेसन है, इसे भी डाल देंगे। और 1/2 चम्मच हमारा इसमें चाट मसाला है और 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम गरम मसाला लेंगे और 1/2 छोटा चम्मच हमारा सॉल्ट है। अभी से हम लेमन जूस है, हमने इसमें हमने 1 लेमन जूस लिया है और 1 चम्मच हमारा लहसुन अदरक है और हमारी 2 चम्मच हमारी ये दही है, छना हुआ दही है हमारा। अभी से हम कर देते हैं मिक्स। गाइस, आप यहाँ पे फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे फूड कलर थोड़ा ऐड करा है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे हम मैरिनेट करने रखेंगे। ये हमारा है, अब इसे हम ढक के रखेंगे। आप चाहें तो इसे हैंड टू हैंड बना सकते हैं, हमने इसे मैरिनेट करने रखा है। तो हम करते हैं चटनी की तैयारी। ये हमने हरी मिर्च और 4 हरी मिर्च हमारी, हरा धनिया थोड़ा सा, 2-3 हमारी लहसुन है, ज़ीरा और सॉल्ट डालेंगे इसमें। अब इसे हम कर देते हैं ब्लेंड। ये हमारी ब्लेंड हो चुकी है। हमें 2 तरह की चटनी रखी है हमने, थोड़ी चटनी ऐसी ही निकाली है, बाकी में हमने दही मिलाकर लाएंगे। इससे हम ग्रीन वाली दूसरी चटनी बनाएंगे चिकन की। ये देखिए, चिकन की हमारी 2 तरह की चटनी तैयार है। इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे इस चटनी में और ये हमारी भी रेडी है। तो गाइस, देख चीजिए, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है दोनों की। तो अब हम इसकी हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। हमारे चिकन को हम ले आए हैं निकाल के फ्रिज से, हमने तेल गरम करा है। अब आप देखेंगे, आप चाहें तो चिकन को 2 घंटे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो चिकन को हैंड टू भी बना सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे 1/2 घंटे ही मैरिनेट करा है। तेल हमारा तेज़ गर्म होगा जब भी हम चिकन डालेंगे, इससे हमारा जो मसाला है ना चिकन पे से छूटेगा नहीं। काफ़ी केयरफुल्ली करके डालना पड़ता है ये, ध्यान से बहुत ज़्यादा। ये देखिए, आपके जितनी पीसे आ सकते हैं कि इसमें कढ़ाई के अंदर उतने ही आप डालें। इसे हम मीडियम से हाई फ्लेम तक पकाते रहेंगे। पहले हमारा 1 साइड सीखेगा, जब चिकन 1 साइड सीख जाएगा तब हम इसे पलटेंगे, बाकी हम इसे अलर्ट पलट करके सेकते रहेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए हमारा चिकन, ताकि खाने में बिल्कुल आसानी हो और मसाले भी सारे चिकन के अंदर अच्छी तरह से चले जाएंगे। इसे हमें फ्राई करते रहना है, अच्छी तरह से तलते हुए कर लेंगे। देखिए, कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। ये देखिए, कलर भी खूब अच्छा आया है। अभी हमारा फ्राई अच्छी तरह से हो रहा है, 1-2 मिनट और करते हैं फिर हम इसे निकालेंगे। देखिए गाइस, अब अच्छी तरह से ही फ्राई हो चुका है, अभी से हम निकालते हैं। देखिए, निकालते हैं, थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं, 1-2 मिनट और। देखिए, अब हमारा जो था अच्छी तरह से फ्राई हमने निकाल लिया। अब इसमें थोड़ा हमारा और दूसरा जो बचा था हमारा भी, इसको भी हम डाल देंगे, इसमें फ्राई करेंगे इसको भी। हमें तेल गरम में ही डालना है ये, उसके बाद में मीडियम के आंच में हम पकाएंगे इसे, ताकि हमारे मसाला अच्छी तरह से इस पर लगे रहे, छूटे नहीं।
थोड़ी देर में इसे भी, ये भी हमारा हो चुका है, ये निकाल लेते हैं। तो गाइस देखिए ये हमारा चिकन रेडी है खाने के लिए बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था, अब आप एक बार उसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। बाय गाइस।